नमस्कार, मैं मिहिर आप सबका स्वागत करता हूँ टीचर्स ऑफ बिहार के टीओबी ज्ञान में। आज हम चर्चा करेंगे फिट इंडिया के स्कूल रजिस्ट्रेशन और स्कूल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले गूगल पर और सर्च करते हैं फिट इंडिया। सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है fitindia.gov.in, उसे ओपन करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज होगा। इसके सबसे ऊपर में हमारे सामने तीन ऑप्शन है, फिट इंडिया, फ्रीडम रन, लॉगिन और रजिस्टर। अगर हमारा विद्यालय पहले से रजिस्टर्ड है तो हम लॉगिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अपने ईमेल को फिलअप करेंगे, पासवर्ड फिलअप करेंगे, कैप्चा भरेंगे और अपने विद्यालय के पेज को ओपन कर लेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर हमारा पासवर्ड मिसिंग हो गया है तो हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं लॉस्ट योर पासवर्ड वाले ऑप्शन से। आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा, आप दोबारा से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है तो हम चुनेंगे दूसरा ऑप्शन, रजिस्टर्ड वाला। तो आइए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को समझते हैं और इसे ओपन करते हैं। जब आप रजिस्टर्ड के लिए इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आएगा जिसे आपको फिलअप करना है। हम विद्यालय को रजिस्टर्ड एज अदर मिनिस्ट्री एम्प्लॉई और आर्म फोर्स के रूप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो हमारा विद्यालय अदर्स वाले ऑप्शन में रजिस्टर्ड होगा। यहाँ पर हम सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें ये चुनना है कि हम किस चीज़ को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, सबसे नीचे से तीसरा ऑप्शन है स्कूल का, हम उसे सेलेक्ट करेंगे, अपने स्कूल का नाम भरेंगे, मिडिल स्कूल जो भी आपका नाम विद्यालय का हो, यूडाइस कोड जो 11 अंकों का होता है, ईमेल, ईमेल में ध्यान रखेंगे कि ईमेल अगर विद्यालय के नाम से हो तो ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा की स्थिति में हम प्रधानाध्यापक के ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर प्रधानाध्यापक महोदय का ही होगा, अगर फिज़िकल टीचर हो तो उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद का ऑप्शन है सिटी, टाउन और विलेज। यहाँ पर हम उस एरिया का नाम लिखेंगे जहाँ पर हमारा विद्यालय लोकेटेड है। उसके बाद हम एक पासवर्ड बनाएंगे खुद से, ये पासवर्ड अल्फ़ाबेट और नंबर का मिक्सचर होना चाहिए। पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, कैप्चा भरेंगे और लास्ट में हम साइन अप करेंगे और हमारा विद्यालय रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं हमारा विद्यालय रजिस्टर्ड हो गया है, रजिस्टर्ड एज स्कूल वेलकम प्राइमरी स्कूल गोपालपुर। इस तरह से हमारा पहला पन्ना होगा। रजिस्ट्रेशन वाला जो ऊपरी हिस्सा है वहीं पर आप देखेंगे कि हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। पहला है फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइज एन इवेंट, फिर माय इवेंट और चौथा माय इवेंट पिक्चर्स। तो हमें अब स्कूल का सर्टिफिकेशन करना है, तो आइए अब हम सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को देखें और इसे सेलेक्ट करें। जब हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने रिक्वेस्ट फॉर फिट इंडिया स्कूल फ्लैग यानी फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेशन का कुछ ऑप्शन आता है। पहला है स्कूल फ्लैग, दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर 3 स्टार, तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर 5 स्टार। ये तीनों अलग अलग हैं, इन तीनों में से किसी एक को ही हमें फिलअप करना है। स्कूल इंडिया फ्लैग के लिए अलग कंडीशन है, स्कूल इंडिया 3 स्टार के लिए अलग कंडीशन है, 5 स्टार के लिए अलग कंडीशन है। 3 स्टार वाले एक कंडीशन को हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि
कि हमारे स्कूल के पास दो ट्रेंड टीचर होने चाहिए। साधारणतः बिहार के बहुत कम स्कूलों में दो ट्रेंड फिज़िकल टीचर उपलब्ध हैं, इसलिए हम सब स्कूल इंडिया फिट इंडिया स्कूल फ्लैग के लिए ही रजिस्टर हो पाएंगे और हम अपना सर्टिफिकेशन पा सकेंगे। तो आइए इस फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ ट्रेंड टीचर, जो कि 1 होगा। किसी प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल के पास अगर ट्रेंड टीचर नहीं है तो ये कहा गया है कि हम किसी भी टीचर को इस कार्य के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेंड हों फिज़िकल एजुकेशन में। फिर हम उस टीचर का नाम लिखेंगे। उसके बाद हम प्लेग्राउंड के बारे में बताएंगे, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2। फिर उस प्लेग्राउंड का शेप जैसा भी हो वो सेलेक्ट करेंगे, उसका एरिया बताएंगे स्क्वायर फिट में, लॉन्गेस्ट साइड जो उसका हो ग्राउंड का वो हम भरेंगे, स्कूल से उस ग्राउंड की दूरी क्या है, विद इन स्कूल, विद इन 500 मीटर्स, बियॉन्ड 500 मीटर्स। तो विद इन स्कूल है तो स्कूल के साथ है तो विद इन स्कूल। उसके बाद हम ग्राउंड का एक इमेज जो कि हमारे पास होना चाहिए उस ग्राउंड का, उसे सेलेक्ट करेंगे। देन हम आउटडोर स्पोर्ट कम से कम 2, मिनिमम 2, उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बैडमिंटन और कबड्डी को सेलेक्ट कर रहा हूँ, कराटे को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हम सभी के विद्यालय में एक पीई पीरियड होता है तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। इसके बाद का ऑप्शन आप देखिए, हमारे पास 4 तरह के ऑप्शन होंगे, इस चारों को मिला के हमें 60 मिनट प्रत्येक दिन फिज़िकल एक्टिविटी में स्पेंड करने हैं तभी हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो विद इन असेंबली 15 मिनट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, 30 मिनट का हमारा पीई पीरियड होता है और 10 मिनट बिफोर और 10 मिनट आफ्टर का सिलेक्शन हम यहाँ कर रहे हैं। टोटल मिलाकर हमारा 65 मिनट हो रहा है, यानी हम 60 मिनट के शर्त को पूरा कर रहे हैं और लास्ट में हम इसे निचले हिस्से को टिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि हमने जो भी सूचनाएं ऊपर भरी हैं वो सभी मेरी जानकारी में सत्य हैं और सही हैं। और इसके बाद हम सबमिट के ऑप्शन पर टिक करेंगे और हमें हमारा स्कूल सर्टिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें ये अवार्ड मिल चुका है, यानी हमारा सर्टिफिकेट आ चुका है। हमने जो भी सूचनाएं भरी वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ट्रेंड टीचर की संख्या, उनका नाम, ग्राउंड का इमेज, उसका पूरा एरिया, जो स्पोर्ट्स हमने सेलेक्ट किए थे वो सारी जानकारी हमारे पास, हमने जो भरी वो सभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है डाउनलोड सर्टिफिकेट का, तो इस पे जाकर हम अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं सर्टिफिकेट को। तो कुछ इस प्रकार का हमारा सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने देखा हम कितनी आसानी से अपने स्कूल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर विद्यालय का रजिस्ट्रेशन करें, सर्टिफिकेशन प्राप्त करें और विद्यालय के बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि हमारा देश खेल के मामले में भी अव्वल आ सके। धन्यवाद।